सिंगरौली में एटीएम क्लोन बनाकर चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चोरी के इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है एटीएम से इन शातिर बदमाशों ने 6 लोगों के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएम क्लोन बनाकर एटीएम से पैसे चोरी करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने खाता धारकों के पैसे निकालते समय उसका क्लोन बनाया और फिर दूसरा एटीएम कार्ड बनाकर पैसा निकाल लिया। शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों शुभम कुमार, कन्हैया सिंह, गौरव सिंह, सीतामढ़ी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। बिहार से आए 3 संदिग्ध लोगों की सूचना मिलने पर उनकी घेराबंदी कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास एक 4 पहिया वाहन और 85,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये बैठन पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा किया। इसमें 3 लड़कों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और ये तीनों ही बिहार के गया और शेखपुरा जिलों के रहने वाले हैं और ये पिछले एकाध हफ्ते से यहाँ सक्रिय थे और इनके द्वारा अभी तक मेडन में 6 लोगों के खिलाफ 6 लोगों से धोखाधड़ी करने की FIR अलग अलग की गई है, जिसमें 2,90,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।